आयरन और कैल्शियम से भरपूर ये जो पालक होता है ना, इसकी सब्जी हम आए दिन बनाते हैं। कभी पालक आलू बना लेते हैं, कभी पालक पनीर बना लेते हैं, कभी पालक का साग बना लेते हैं, कभी लहसुनी पालक बना लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से और जितनी टेस्टी सब्जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, यकीनन आपने इससे पहले तो कभी नहीं बनाई होगी, लेकिन इसे ट्राई करने के बाद में बार बार बनाएंगे। तो चलिए महेश्वरी रसोई में आज बनाते हैं पालक की एकदम नई और अमेजिंग रेसिपी। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही जो बेल आइकन होता है ना, उसे जरूर प्रेस कर दे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना महेश्वरी अपने चैनल महेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आयरन से भरपूर बहुत ही टेस्टी मजेदार और एकदम नई पालक से ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ करके दो तीन पानी से वॉश करके ये 400 ग्राम जितना पालक लिया है। पालक के जो मोटे डंठल थे वो हटा दिए हैं, घास वगैरह थी वो बीन दिया है। और इसमें स्पेशल बात है कि इसके लिए आपको पालक को काटने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट बनाना शुरू कर दीजिए। उसके लिए मैंने 2 कप जितना पानी एक कढ़ाई में डाल दिया है और जैसे ही पानी में बढ़िया सा उबाल आया, इसके अंदर हम डालेंगे 4 हरी मिर्चें क्योंकि हरी भरी सी सब्जी बनाएंगे, और उसके साथ ही 15-20 काजू डाल दिए। फ्रेंड्स काजू आप चाहें तो डालें या नहीं डालें, लेकिन अगर थोड़े से काजू डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपकी सब्जी बनेगी। पालक के साथ लहसुन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एक पूरी जो गांठ होती है लहसुन की साफ करके डाल दी है। अगर लहसुन खाते हैं तो ज़रूर डालिए। और ये देखिए करीब 2 मिनट तक मैंने इन चीज़ों को अच्छे से उबाल लिया है, और उसके बाद डाल देते हैं अपना ये हरा भरा सा पालक और उसके साथ ही सब्जी को एकदम अलग टेस्ट देने के लिए, या कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी करने के लिए। मैंने 400 ग्राम जितना पालक लिया था और करीब 50 से 60 ग्राम मैंने हरा धनिया ले लिया है, और धनिया को भी अच्छे से साफ कर लिया है। और फ्रेंड्स इसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, फिर सिर्फ पानी इतना डालें कि हल्का हल्का सा ये डूब जाए, और कवर करके सिर्फ 2 मिनट इसे पकाएंगे। यह समझ सकते हैं कि सिर्फ इसे ब्लांच भर करेंगे, अगर आपने बहुत ज़्यादा पका लिया तो पालक के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स पालक जो होता है वैसे तो उसका कलर बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन क्या होता है जब हम सब्जी वगैरह बनाते हैं ना तो कलर ख़राब हो जाता है। तो उससे बचने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप एक बड़ा सा बाउल ले लें और उसमें बड़े बड़े से इस तरीके से आइस क्यूब डाल दें जैसे कि मैंने डाल रखे हैं, और जैसे ही पालक उबल के चुके आप तुरंत ही इस ठंडे पानी वाले बाउल में डाल दें। इससे क्या होगा, पालक का जो पकना है वो इंस्टेंट रुक जाएगा और हमारे पालक का जो ग्रीन कलर है ना वो ऐसा ही रहेगा, है ना। बहुत ही छोटी लेकिन एकदम मज़ेदार टिप। तो बस इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देते हैं, और जैसे ही ये अच्छे से ठंडा हो गया, तुरंत ही ठंडा हो जाएगा क्योंकि बड़े बड़े इसमें आइस क्यूब डाल रखे हैं। और अब आ रही है फ्रेंड्स इसे पीसने की। अगर नॉर्मली आप पालक को पीसने में 30 सेकेंड लगाते हैं तो इसमें आप 1 मिनट लगाएं, क्योंकि हमने इसमें फ्रेंड्स काजू डाले हैं, लहसुन डाली है, जिससे वो सब चीज़ें बढ़िया सी पीस जाएँ और आप कलर में डिफरेंस देख सकते हैं कि जो नॉर्मल आता है उससे काफ़ी अच्छा कलर आया है। अब क्या किया, गैस ऑन कर दी, कढ़ाई रख दी और उस पर डाल दिया 2 टेबल स्पून जितना सरसों का तेल। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे दम पालक की सब्जी, और मैंने ये छोटे छोटे साइज के 8-10 आलू ले लिए हैं, और आलू हमें इस तरीके से हम फोक से छेद कर लेंगे जिससे जो हम ग्रेवी बनाएंगे ना वो अंदर तक बहुत ही अच्छे से चली जाएगी और हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार होगी। आलू में छेद हुआ, इधर जो हमने ऑयल गरम करने के लिए रखा था वो भी बढ़िया सा गरम हो चुका है। और फ्रेंड टेंशन ना लें, इतना ऑयल नहीं लगेगा, बस ये आलूओं को हम हल्का हल्का सा इसमें सौते करेंगे जिससे इनका आउटर लेयर काफ़ी क्रिस्पी सा हो जाएगा और सब्जी बनेगी अमेजिंग टेस्ट की। और इस सब्जी को आप रोटी, पराठे, चपाती, पूड़ी या चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करती है। और ये देखिए 3 से 4 मिनट लगे, और इसे आपको हाई फ्लेम पर बनाना है क्योंकि आलू को हमने ऑलरेडी अच्छे से उबाल रखा है, बस आउटर लेयर को थोड़ा सा क्रिस्पी और ब्राउन सा करना है। और ये लीजिए आलू तैयार हो गए हैं, तो आलूओं को भी अलग कर लेते हैं। और अब मैंने ले लिया है एक इस तरीके से बाउल, और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून जितना फ्रेश दही। और इसके लिए फ्रेंड्स आप दही का जो इस्तेमाल करें वो फ्रेश होना चाहिए, और उसमें गया 1 टेबल स्पून जितना सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला और 1 पिंच जितनी हल्दी ले ली है। पालक की सब्जी में वैसे तो हल्दी ऑप्शनल होती है, आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून जितनी नॉर्मल लाल मिर्चें और 1/2 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्चें,
और इन सूखे मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पालक के साथ दही और लहसुन का जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही बढ़िया आता है। और अगर आप दही से मसाला बनाने इस तरीके से बनाते हैं ना, तो बहुत ही बड़ा फायदा होता है कि दही फटने के जो चांसेज होते हैं ना, 0% हो जाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकाल दिया है और 1 टेबलस्पून जितना ऑयल इसी में छोड़ दिया, उसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा, 1 पिंच जितने हींग। और अब मैं डालूंगी इसमें एक छोटा सा टुकड़ा बटर का, मैंने करीब 1 टेबलस्पून जितना बटर ले लिया है। और ये थोड़ा सा बटर रेसिपी में कमाल करेगा, कहते हैं ना वो बटर पनीर मसाला, बस वैसा सा ही आपको टेस्ट मिलेगा। और अगर आपके पास बटर नहीं है या नहीं डालना चाहते या कई बार घर में नहीं होता, तो उस केस में आप इसमें 1 टेबलस्पून जितना देसी घी डाल दें। और बटर के मेल्ट होने से पहले ही मैंने इसमें डाल दिया प्याज, और प्याज को भून लिया हल्का सा, बस थोड़ा सा कलर आ जाए। और इसके लिए आपको जो प्याज और टमाटर लेने हैं ना, उसे मिक्सी में नहीं चलाना है, ना ही चॉपर में चलाना है, बस छोटे छोटे क्यूब में इस तरीके से कट कर लें, जिसमें इस सेट का जो टेस्ट होगा ना, इतना बढ़ जाएगा कि आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नॉर्मल पालक की सब्जी है। अब इसके बाद डाल दिया टेस्ट के हिसाब से नमक, जिससे प्याज और जो हमारे टमाटर हैं बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब बारी है फ्रेंड बढ़िया सा भूनने की। जितना अच्छा आप इसका मसाला भून लेंगे, आपकी सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। और बस जैसे ही हल्का सा भुना, हमने वो जो दही वाला मसाला बनाया था ना, अब वो भी डाल देते हैं। और इसे डालने के तुरंत बाद आप जैसे ही इसे भूनना स्टार्ट करेंगे, आपको इसका कलर देख के ना इसके दीवाने हो जाएंगे, इतना बढ़िया इसका कलर आने वाला है। आप घर पे बनाएंगे ना तो सबको इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि रोटी पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। स्पेशली ये नहीं है कि इसके साथ सर्व करना है या इसके साथ नहीं करना है। और फ्रेंड्स अब आप कलर देखिए, क्या शानदार कलर है। जो हमने इसमें तेल और बटर डाला था वो अच्छे से रिलीज हो गया है। तो बस अब जो आलू हमने डीप फ्राई करके रखे थे या सेलो फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए। और इस समय अगर आप सिर्फ ये आलू की सब्जी भी बना देना, जैसे कि इस समय ये तैयार है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेगी। थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि आलू है फ्रेंड्स, पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद डाली थोड़ी सी कसूरी मेथी, कवर कर दिया। 3 से 4 मिनट तक हम पकने देंगे, क्योंकि अगर पालक डालने के बाद में ज़्यादा पकाते हैं ना, एक तो न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं, दूसरे पालक का जो नेचुरल कलर होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड जो थोड़े से काजू डाले थे ना, अब उसका कमाल देखिएगा कि आपकी सब्जी में जो डिशनेस आएगी ना, देखने और खाने दोनों के लायक होगी। और कलर देखिए बहुत ही बढ़िया है। तो बस अब ये पालक भी डाल दिया जिसे हमने मिक्सी में चला के रखा था, और अब कर दिया सब्जी को अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा मिक्सी के जार को धोकर पानी डाल देते हैं, और पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा कम या ज़्यादा, यानी कि जैसे भी आपको ग्रेवी पसंद हो उसी हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। पालक में हमने थोड़ा सा धनिया डाला था, साथ ही थोड़े से काजू डाले थे, उसकी वजह से आप पालक का टेक्सचर एकदम अलग पाएंगे, टेस्ट भी अलग रहेगा। थोड़ा सा धनिया और डाल देते हैं, वैसे तो हमने धनिया बहुत सारा ऑलरेडी डाला हुआ है। और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी, एकदम नए टेस्ट की, परंतु एकदम आसान तरीके से बनी हुई पालक की सब्जी तैयार हो गई है। आप इसे दम पालक कह सकते हैं, या पालक आलू कह सकते हैं, बटर पालक कह सकते हैं। तो चलिए प्लेटिंग की बारी है। पहले डाली थोड़ी सी ग्रेवी, और उसके बाद रखी ये गर्मा गर्म और एकदम ज़बरदस्त आलू। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ऐसा नहीं है कि ग्रेवी ऊपर ऊपर है, आलू के अंदर नहीं गया, क्योंकि फोक से अच्छे से छेद के लिए थे, 2-3 मिनट पका लिया। ये देखिए बहुत ही टेस्टी सब्जी तैयार है। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर किया करिए। कमेंटों का तो बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों एकदम मिनटों में बनी हुई ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को